हेलो गाइस, आजकल बहुत तेजी से गर्मी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से मुझे रात में भी नहाना पड़ रहा है। पानी में से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं आधी रात उठ कर नहा रहा हूँ। मैंने नहा लिया है, अब मुझे अपना ड्रेस चेंज करना होगा। कुछ कपड़े भी नहीं पहनने के मन कर रहे हैं। चलो मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए ड्रेस। और ये हो गया, ये मेरा पैंट पैंट चेंज हो गया। मास्क उतार देता हूँ। हेयर कैसा करूँ, गॉगल्स लगाऊँ या नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं लेना हो चाहिए। और एक काम करता हूँ, मास्क ले ही लेता हूँ। उसके लिए मुझे अपनी ऑटो बुलानी होगी और यहाँ से निकल रहा हूँ। ऑटो का चीट कोड क्या था यार? आप लोगों को याद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलो अब चलते हैं ऑटो से और देखते हैं। आजकल बड़ी तेज़ी से एक अफवाह फैल रही है। सर्बियन डांसिंग लेडी सड़क पे घूम रही है। रात के 12 बज चुके हैं और हम लोगों को जाना होगा अब उसे ढूंढने के लिए। चलो फुल स्पीड में चलते हैं और सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढते हैं। देखते हैं आखिर कहाँ मिली ये सर्बियन डांसिंग लेडी। चलो पहले एयरपोर्ट पर चल के देख लेते हैं कहीं वहाँ पर कोई भूत ऊत तो नहीं है। चलो देख, ये क्या, ये किसका झुंड है यार? ये देखो इतने ढेर सारे जॉम्बी लग रही। सारी सर्बियन डांसिंग सभी को जॉम्बी बना दिए हैं। चलो अब मुझे यहाँ से भागना होगा वरना मैं भी जॉम्बी बन जाऊँगा। अरे ये क्या, मेरी ऑटो बैलेंस ख़राब हो गया यार डर के मारे। मुझे यहाँ से भागना होगा। चलो मैं जाके कहीं छुपता हूँ। इसके अंदर जाऊँ क्या? नहीं नहीं जाने दो, चलते हैं कहीं और देखते हैं। ये जॉम्बी से मुझे अपनी जान बचा के भागनी होगी और सर्बियन डांसिंग का सच देखना होगा कि वो सच मुझ में है या नहीं। उसके लिए मुझे जाना होगा फुल स्पीड में। चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर कहाँ है वो सर्बियन डांसिंग लेडी। चलो चलें, यहाँ पर तो नहीं है वो। लोकेशन तो उसका यही बता रहा था, कहीं दिख नहीं रही है। चलो देखते हैं आखिर कहाँ है वो। एक मिनट, मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना था। वो आएगा और फिर हम दोनों मिलकर साथ में सर्बियन डांसिंग लेडी का पता करेंगे। चलो मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया और देखो आ गया वो। चलो मैं देखता हूँ। चलो मैं लाइट को ऑन, ये तो वही है। चलो चल के देखते हैं वही है या नहीं। हेलो हेलो राहुल, कैसे हो तू? बता यहाँ पर सच में सर्बियन डांसिंग लेडी है? अरे हाँ, तू यहाँ से भाग जा वरना वो तुझे खा जाएगी। मुझे इतनी रात को क्यों फोन करके बुलाया है तू? अरे तू कहाँ जा रहा है? इधर आ जा। रात में किसी लड़की से बात नहीं करते हैं, हो सकती है सर्बियन डांसिंग लेडी हो। उसे मैं जूम कर देखता हूँ गाइस, वो सचमुच में है या नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी। उसको देखता हूँ कहाँ, हाँ उसका चेहरा नहीं दिख रहा, वो इधर मुड़ ही नहीं रही है। कहाँ गई वो? चलो चलो चल के देखते हैं आखिर क्या सच है इसका। चलो चल के देखते हैं। चलो चलो चलो, हेलो मैम, हेलो मैम, आप कौन हैं? प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, इधर देखिए मैम। हेलो, अरे तू कौन है? यहाँ से चल जा वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर दोबारा यहाँ पर मत दिखना, समझा? जा जल्दी भाग जा तू यहाँ से, मैं तुझे कच्चा छबा जाऊंगी। मैं सर्बियन डांसिंग लेडी हूँ, बस मैं अभी डांस नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत तेजी से डांस करती हूँ। भाग जाए तू यहाँ से। अरे भाई, आखिरकार ये कौन है? मुझसे ऐसा क्यों बात कर रही है ये? मैम आप क्यों ऐसा मुझसे बोल रही है? मुझे डरा रही है ना? तू अभी तक यही है, भाग जल्दी जाए यहाँ से। भाई मुझे तो इसकी बातों पे कुछ भी भरोसा नहीं हो रहा है। हो सकता है ये कोई मुझे मजाक कर रही हो मेरे साथ। मुझे अपनी बाइक को बुलाना होगा और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वो क्या, वहाँ पर भी एक लड़की है, मुझे जाके उससे देखना होगा, बात करना होगा मुझे उससे। चलो चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो मेरी गाड़ी के सामने ही आके खड़ी हो गई। हट भी नहीं रही है कि मैं अपनी बाइक को लेकर जाऊँ यहाँ से। चलो हटी फाइनली, अब मुझे इससे बात करनी होगी, इस वाली मैम से।
वैसे इतनी आधी रात को इन लोग टहल क्यों रहे हैं? चलो देखते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ये क्या है। चलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप सर्वी डांसिंग लेडी के बारे में जानती हो? बताओ प्लीज मैम। अरे क्या ये भी तो मेरे ऊपर अटैक ही करने लगी? भागो यहाँ से उसको मारकर, मुझे जाना होगा।